पूरे देश में दिल्ली एकमात्र ऐसी जगह है जहां हर वक्त बवाल मचा रहता है। इतना जबरदस्त बहुमत लेने वाली आप सरकार के मंत्री और सीएम हर वक्त यही चिल्लाते नजर आते हैं कि एलजी नहीं काम करने दे रहे, मोदी नहीं काम करने दे रहे। इस खींचतानी में केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा लेने के लिए एलजी उपराज्यपाल के ऑफिस में सोफे पर फुल एसी चला के 10 दिन धरना किया और फिर धरना खत्म करके सीधा छुट्टी पर अपने इलाज के लिए बैंगलोर चले गए। ये मामला इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनते हुए केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका भी दे दिया। अभी मिल रही बड़ी खबर के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आए दिन अपनी हरकतों को लेकर समाचार की सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वह बिजली संबंधित मुद्दा हो या पंजाब की राजनीति संबंधित मुद्दा। लेकिन इस बार उनके सुर्खियों में रहने की वजह कोई मुद्दा नहीं, एक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने केजरीवाल को जबरदस्त झटका दिया है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए आए दिन केंद्र सरकार का घेराव करते रहते थे, जिस मांग को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगते हुए पूर्ण राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। अपने आदेश में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। भूमि, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के मामले ही केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। तब से केजरीवाल अपनी हर काम न करने के पीछे एक ही कारण बता रहे हैं कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिले तभी वे काम करेंगे। एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उपराज्यपाल ही दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख है और उसे संज्ञान में लेकर जानकारी देकर ही दिल्ली सरकार कोई फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली में भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था का मामला एलजी के ही अधीन रहेगा। जाहिर है कि इस फैसले के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अराजकता वाली राजनीति से दिल्ली की जनता को मुक्ति मिल जाएगी। अब दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के मुद्दे पर वो जनता को बरगला नहीं पाएंगे। हर बात के लिए केंद्र सरकार और राज्यपाल को जिम्मेदार ठहराने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी सरकार को अब दिल्ली की जनता से किए गए वादों को पूरा करना होगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल पर नजर डालते हैं तो हम यह पाएंगे कि केजरीवाल सरकार अपने काम से ज्यादा उपराज्यपाल से लड़ाई को लेकर सुर्खियों में रही है, या चाहे वे पूर्व उपराज्यपाल नजीब संघ का शासनकाल हो या वर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल का। देखना ये दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल अब इस निर्णय के बाद क्या कदम उठाते हैं। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में केजरीवाल ने इसे अपनी जीत और लोकतंत्र की बड़ी जीत बता दिया है, अपने प्रशंसकों को खुश करने के लिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कोर्ट ने उनकी पूर्ण राज्य की मांग को ठुकरा दिया है। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।